अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वलीद बिन मुगीरा का किस्सा, जिसने पैगंबर इस्लाम से कहा था कि कुरान की चंद आयात पढ़िए और फिर वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया। जिन लोगों को कुरान मजीद ने चैलेंज किया था उनमें से एक वलीद बिन मुगीरा था, जो उस जमाने में अरब के दरमियान फिक्र व तदब्बुर के लिहाज से बहुत मशहूर था। एक दिन उसने पैगंबर इस्लाम साहब से कहा कि कुरान की चंद आयात पढ़िए। हुजूर अकरम सनसुर ए हाम मीम सजदा की चंद आयात की तिलावत फरमाई। उन आयतों ने वलीद के अंदर ऐसा असर किया कि वह बे इख्तियार अपनी जगह से उठा और कबीले बनी मखजूम की एक नशिक्त में पहुंचा और कहने लगा कि खुदा की कसम मोहम्मद सा से ऐसा कलाम सुना है जो ना इंसानों जैसा कलाम है और ना परियों जैसा। फिर उसने कहा, उनकी गुफ्तार में एक खास मिठास और मखसूस जमाल है, उसकी बुलंदी फलदार दरखत की तरह और उसकी बुनियाद मोहकम है। वह एक ऐसा कलाम है जो हर कलाम पर गालिब रहेगा और उस पर कोई गालिब ना हो पाएगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और सब कहने लगे कि वलीद मोहम्मद साह पर फिदा हो गया है। लेकिन वलीद ने कहा, क्या तुम समझते हो मोहम्मद साह के दीवाने हैं? आज तक उन पर कभी दीवानगी के असर दिखाई दिया है क्या? लोगों ने कहा, नहीं। फिर वलीद ने पूछा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि मोहम्मद साह झूठे हैं? क्या आज तक तुम्हारे दरमियान वह सदाकत व अमानत में मशहूर नहीं है? कुरैश के सरदारों ने कहा, तो फिर हम उनकी तरफ कौन सी निस्बत दें? वलीद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हम ये कहते हैं कि वह जादूगर हैं। कुरैश ने यह बात सारे अरब में फैला दी कि मोहम्मद साह जादूगर हैं, उनकी आयात जादू हैं, उनसे दूर इख्तियार करो और उनकी बातों को ना सुनो। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। हकीकत की तिश्ना अफराद जूक दर जूक कुरहान के दामन में पनाह लेने लगे और इस आसमानी पैगाम से सैराब होने लगे। दुश्मनों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। आज भी कुरान दुनिया वालों को चैलेंज कर रहा है कि ए फलसफियों, ए अदीबों, अगर तुम आयात की हक्कानियत के बारे में शक करते हो तो उसका जवाब लाओ। इस्लाम और कुरान के खिलाफ साल करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि इतना खर्च करने की जगह आप कुरान का चैलेंज मान लो और इस कुरान के किसी एक सुरह का भी जवाब ले आओ। जी हाँ, तो ये था वलीद बिन मुगीरा का किस्सा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल नूरानी खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।